मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास प्लस वन मैथ यूनिट टू एक्सरसाइज 2.1। तो इस एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स के हैं, हम एलिमेंट्स को अब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। इसमें हम यूनियन भी लगाते हैं, इंटरसेक्शन भी, इसमें सब कुछ मिक्सअप रहता है। तो हम अब क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन एक कंपेयरिंग क्वेश्चन है, हमें कंपेयर करना है इफ एक्स अपॉन थ्री प्लस वन वाई माइनस टू बाय थ्री इक्वल्स टू ब्रैकेट में, और हमें कंपेयर करना है फाइव बाय थ्री वन बाय थ्री। तो हमें वैल्यूज निकालने दोनों में, तो हम कंपेयर करेंगे एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स को। तो हम पहले फर्स्ट इसको इससे कंपेयर करेंगे दूसरे को दूसरे से, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो एक्स के वेरिएबल्स हैं और दूसरे वाले के साथ वाई के। तो सॉल्यूशन, तो एक्स बाय थ्री प्लस वन इक्वल्स टू फाइव बाय थ्री, एक्स बाय थ्री फाइव बाय थ्री ये साइड गया माइनस का, तो एक्स बाय थ्री इक्वल्स टू एलसीएम लिया फाइव माइनस थ्री बाय थ्री, और थ्री से थ्री कट हो गया। एक्स की जो वैल्यू आती है वो एक बार टू है, एक्स की वैल्यू क्या है टू। देन हमने सेकंड को कंपेयर किया वाई माइनस टू बाय थ्री इक्वल्स टू वन बाय थ्री, तो वाई इक्वल्स टू वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री, वाई इक्वल्स टू थ्री, वन प्लस टू दैट इज थ्री बाय थ्री, कट के वन है, तो वाई की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू वन है। तो एक्स की वैल्यू क्या है टू एंड वाई की वैल्यू क्या है वन। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ यही भाई खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है इफ सेकंड क्वेश्चन रहता है वो है इफ का सेट ए एस थ्री एलिमेंट एंड सेट बी एस थ्री फोर फाइव फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इस जो क्वेश्चन में है वो गिवन रहता है, हम जो गिवन है वो लिख रहे हैं मैंने गिवन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में तीन एलिमेंट दिए हैं, तो बी के तीन एलिमेंट है थ्री फोर फाइव। तो मुझे इस एलिमेंट को नंबर निकालना है ए मल्टीप्लाई बी निकालना है मुझे। तो हमारे पास ए में भी तीन एलिमेंट हैं, तो ए में कितने हैं जस्ट लिखा है थ्री एलिमेंट्स, तो हमें ए मल्टीप्लाई बी करना है। तो मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई बी, ए में तीन एलिमेंट है इसमें वन टू थ्री एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बी एट इज नाइन, थ्री मल्टीप्लाई थ्री इक्वल्स टू नाइन। हमने किया क्या ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इन बी, तो ए के एलिमेंट तीन थे बी के भी तीन थे, तो आंसर तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ यही भी खत्म हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास एलिमेंट दिए हैं जी के थ्री सेवन एट एंड एच के दिए हैं फाइव फोर टू, एंड हमें निकालना है एक बार जी मल्टीप्लाई एच एक बार एच मल्टीप्लाई, तो हम राइट कर रहे हैं हमने जी मल्टीप्लाई एच लिखा, तो हमें एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है जी के और एच के। जैसे ही हम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे जी मल्टीप्लाई एच
एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पेयर बनते रहेंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सिस्टम के कारण बनते हैं। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता है जो P मल्टीप्लाई क्यू होगा, उसके जो एलिमेंट रहेंगे वो P और Q स्मॉल है। अगर P बिलोंग करता है कैपिटल P से, स्मॉल स्मॉल P कैपिटल P को बिलोंग करेगा, तो जो स्मॉल Q है वो कैपिटल Q को बिलोंग करेगा। वैसे ही हो रहा है, एलिमेंट करेंगे जैसे 7, 5 दूसरा 7, 4 फिर 7, 2 फिर 7, 2 7, 2 के बाद 8, 5 8, 4 और H मल्टीप्लाई जी रहेगा तो ऐसे 5, 7, 5, 7, 5, 8 फिर 4, 7, 4, 8 4, 7, 4, 8 फिर 2, 7 एलिमेंट्स राइट कैसे किए? यस, 7, 5, 7, 4, 7, 2 टर्न बाय टर्न हमने राइट किए और दोनों के दोनों के आंसर हमने लिख लिए। हमारे पास इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, 2 and 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें लिखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर 2 and 4 इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट एंड करेक्ट। तो फर्स्ट है जो पहला पार्ट है राइट कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है पी ब्रैकेट एम एन ब्रैकेट क्लोज एंड क्यू। एक बार पी के एलिमेंट दिए हैं, दूसरी बार क्यू के एम एन और पी मल्टीप्लाई क्यू, तो हमारे पास एम एन और एन ये दोनों एलिमेंट्स रहते हैं, तो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है वो देख लेते हैं। एक बार एम एन, दूसरी बार एम एन, इसमें दो एलिमेंट्स लिखे हैं, आने कितने चाहिए थे? ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, हम जो ट्रू स्टेटमेंट है वो लिख रहे हैं। बी मल्टीप्लाई क्यू का आंसर आना चाहिए एम एन, दूसरा एम एन, तीसरा एन एन और एन, चार पेयर बनने चाहिए थे, पहले वाले ने दो ही बनाए थे, हमने करेक्ट करके राइट कर लिया। तो दूसरा जो रहता है उसमें लिखा है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए मल्टीप्लाई बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑर्डर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वाला भी ट्रू है, वो भी राइट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट वाला है ए इक्वल्स टू 1, 2 एंड बी 3, 4 एंड देन लिखा है ए मल्टीप्लाई 5। सही लिखता है, इसमें से कॉमन 5 में से निकालेंगे 5 ही आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है अगेन सेम क्वेश्चन है, अब हमें दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में रहता है एलिमेंट्स ए माइनस वन वन, फाइंड क्या करना है हमें, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए फाइंड आउट करना। अगर मैं तीन बार ए ए ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एलिमेंट कुछ ऐसे है, मुझे तीन एलिमेंट सेम एज इट इज देने हैं ऐसे, माइनस वन वन और ये भी एक एलिमेंट है, उसके बाद ये भी हमने सेट्स लिख लिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स को, हमारे पास जो एलिमेंट्स रहते हैं माइनस वन माइनस वन वन, जब हम तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेयर पेयर थ्री थ्री एलिमेंट्स रहेंगे, माइनस वन वन माइनस। अगर पहली बार माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो तीन बार होगा, उसके बाद माइनस वन 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 दूसरा आ गया, वैसे ही आगे आके हम राइट करेंगे। हमने अब एलिमेंट्स राइट कर लिए हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स सारे के सारे आ गए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के साथ फोर होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्वेश्चन नंबर सिक्स में रहता है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स एंड बी वाई। हमें अब एलिमेंट्स लिखने ए और बी के, सिंपल सी बात है, ए का जो एलिमेंट रहेगा वो एक बार ए भी रहेंगे और दूसरे के ए एक्स, तो इसका सिंपल आंसर था ए के एलिमेंट आ जाएंगे ए बी और बी के एक्स। तो अब हम हमारी जो सिक्स क्वेश्चन है इसी के साथ यहीं पे खत्म होते हैं। थैंक यू।